हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतहों पर। ठीक है, तो इसके जो है एमसीक्यू करेंगे, डायरेक्ट थ्योरी वाला पार्ट नहीं करने वाले। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर में सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्लीज एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। समतल दर्पण के पीछे पॉलिश किया जाता है, कौन सी चीज का पॉलिश किया जाता है इसके अंदर, मतलब ये चार ऑप्शन आपको अगर दिया गया है तो कौन सी चीजों का जो है समतल दर्पण में पॉलिश किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चांदी का पॉलिश जो है वो किया जाता है। एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक दर्पण है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपको पूर्ण प्रतिबिंब के लिए ये दर्पण जो है वो कैसे आवश्यक होगी, मतलब व्यक्ति के लंबाई के बराबर, व्यक्ति के लंबाई के आधी, व्यक्ति के लंबाई की दोगुनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन से दर्पण की जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यक्ति के लंबाई के आधी, क्या होगा, व्यक्ति के लंबाई के आधी दर्पण की जरूरत पड़ेगी। बर्तन में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बर्तन है, बर्तन में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक सिक्का, तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो वो किस कारण से दिखता है ऊपर उठा हुआ, तो वो किस कारण से दिखेगा, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का होता है, तो वस्तु के बराबर का होता है, किसके बराबर होता है, वस्तु के बराबर का होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है, देखिए कांच का अपवर्तनांक अक्सर एग्जाम में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट एमपीए टिक लगा लीजिएगा और इसका आंसर रट डालिए, मतलब कि रटना क्या है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो बताता है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, मतलब कि प्रकाश की चाल, किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या ज्यादा है, ये अपवर्तनांक आपको बताता है उसका। तो यहां पर सही आंसर होगा म्यू इक्वल टू 1.5, याद रखिएगा। ठीक है, तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई दिखती है, इसका कारण क्या, अभी मैंने आपको बताया सिक्का वाला, तो किसके कारण होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, हीरे का चमकना उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कई बार, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो कई बार देखा होगा ये क्वेश्चन को पूछा गया है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हीरे का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे का अपवर्तनांक होता है, अभी मैंने आपको अपवर्तनांक बताया कि वह संख्या होता है जो बताता है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या अधिक है, वो यहां पर दर्शाता है अपवर्तनांक। तो कितना है हीरे का अपवर्तनांक, तो ये होगा सेकंड ऑप्शन 2.42। ठीक है, सर्वाधिक विरल माध्यम है, मतलब कि माध्यम कौन सा है सर्वाधिक विरल माध्यम, तो यहां पर क्या होगा निर्वात वैक्यूम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा निर्वात वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, देखिए यहां पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं लिया और यहां पर जो है देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10^8 है, ये 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा गया है कई बार। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि समतल दर्पण को, यहां पर देखिए ये 20 नहीं है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये सारे क्या है थीटा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि ये थीटा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट मत करिएगा कि ये 20 था सर, ये क्या ले लिया है, वो क्या ले लिया, पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, ये थीटा है। तो बोला जा रहा है कि समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है, इसका सही आंसर है 4 थीटा घूम जाती है, ये क्या है 4 थीटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को, अगर चंद्र की सतह पर एक प्रेक्षक है तो दिन के समय आकाश दिखाई देगा, उसको कैसा दिखाई देगा आकाश दिन के समय, अगर वो चंद्रमा पर है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा दिन के समय में, काला दिखाई देगा क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है, तो किस तरह व्यवहार करेगा, ये अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, किसी तरह करेगा, अब सारी लेंस की तरह जो है ये व्यवहार करेगा। अब सारी लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस।
क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अब सारी लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। और ये काम क्या करता है? तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है? याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसी प्रकार क्या होता है? अभिसारी होता है, जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। जो अभिसारी है ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि वाहन के अग्रदीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होगा? उसके अंदर समाहित क्या होगा? प्रकाश वाले जो है दर्पण का इस्तेमाल होगा, जिससे वो प्रकाश को दे सके, फैला सके, तो वो होगा परावलिक दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण का काम लेते हैं? अवतल दर्पण का काम लेते हैं। ये तो आप सभी को मालूम है, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आप सभी को मालूम है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? अब यहां पर ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार आपको क्या करना है? आंसर बताना है। तो रंगों को अलग किस तरह कर सकते हैं? तो रंगों को अलग नहीं किया जा सकता, पौधे के रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग किया जा सकता है, और ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो वह किस प्रकार दिखाई देगा? इसका मैंने आपको एक चार्ट बोला था, देख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके प्रकार, यानी प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा या आवृत्ति के द्वारा? तो सही आंसर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी जो व्याख्या है वो की जा सकती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आप लोगों ने देखा होगा जो साबुन का पतला झाग होता है उसमें चमकदार रंग बन जाते हैं, तो वो कौन से घटना का जो है वो परिणाम है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन करिए, आईएमपी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। इसका सही आंसर क्या है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। 21वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये किया था रोमर ने। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहां पर बनता है? ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और आप सभी को मालूम है इसका आंसर कि रेटिना पर बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा जो है वो बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, क्या करता है, जैसे क्या करता है? 24वां जो प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आंसर है, अवतल लेंस। 25वां क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? जो किस प्रकार के किरण पुंज है ये आपको क्या करना है? बताना है किस प्रकार के किरण पुंज है। तो ये समानांतर किरण पुंज है। ठीक है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो कौन सा होता है? लाल रंग जो है सबसे कम अपसरित होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लाल, नीला और हरा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? लाल, नीला और हरा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके कुछ 27-28 एमसीक्यू है। इसके एक और वीडियो जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, लाइट वाला, वो मैंने दिया भी है, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा और इसको भी जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो कम से कम 1-2 बार बस देख के ही जाना है आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीटेड होते हैं, तो इनको देखकर जरूर जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।